नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैमिका के बारे में, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। और इस तरह के जो नाग मिसाइल के कैरियर होंगे वो मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए। इसके लिए जो ऑर्डर है वो कई साल पहले प्लेस कर दिया गया था, लेकिन नैमिका की भी जो कहानी है वो भारत के दूसरे सिस्टमों से ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे भी जो डिले है और चेंज इन गोल पोस्ट है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, जिसको बनाने में और प्रोडक्शन तक पहुँचाने में 20 से भी ऊपर साल लग चुके हैं। जब इनिशियली इस तरह का जो व्हीकल है वो प्रपोज किया गया था सन 2000 के अराउंड, और जब ये पहली बार ट्रायल में गया था 2008 के अराउंड, तो इसको लेके जो एक खबर है वो चाइनीज मीडिया में भी छपी थी कि ये एक इनोवेटिव और नया सिस्टम है भारत ने जिसे बनाया है BMP-2 के चेसिस पे। तो इसको लेके जो बातें थी चीनी मीडिया में वो चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने एक ऐसा ही सिस्टम आपसे कम टाइम में बना के ऑपरेशनल भी कर दिया, और अभी तक हम नैमिका में ही खेल रहे थे। मतलब आपसे इंस्पायर होके किसी ने सिस्टम बना के ऑपरेशन करके इंडक्ट भी कर लिया उसे। तो यहाँ पे देखते हैं नैमिका की कहानी किस प्रकार से है, इसमें कौन कौन से सिस्टम हैं और सेंसर हैं, उन सब पे बात करने वाले हैं। तो अगर नैमिका की बात करते हो तो इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल थे वो 2008-2009 में कंप्लीट कर लिए गए थे। 2012 के अराउंड में जो इसका यूजर ट्रायल था वो कंप्लीट किया जा रहा था आर्मी के द्वारा। हालांकि नैमिका को, यानी कि नैमिका 1 को आर्मी के कहने पे ही उनके स्पेसिफिकेशन के अराउंड ही बनाया गया था। वहाँ पे जो नैमिका नाग मिसाइल फायर करता था उसमें LWIR सीकर थे, और तकरीबन 8 के नंबर में जो मिसाइल है फायर की गई थी, और एक ही या दो मिसाइल 2500 मीटर का राउंड टारगेट को हिट करने में सक्षम हो पाई थी, क्योंकि ये जो सेंसर थे LWIR ये अनकूल्ड सेंसर थे और ये टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे राजस्थान में एक लॉन्गर रेंज के लिए, और सबसे मिनिमम रेंज के लिए तकरीबन 700 मीटर पे ये सही से टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप देते हो स्पेसिफिकेशन कि आपको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप चाहते क्या हो प्लेटफॉर्म से, अगर आप यूजर हो तो। फिर ये सब होने के बाद जो मॉडिफिकेशन है वो DRDO को द्वारा दिया गया करने के लिए, तब जाके आपका जो नैमिका 2 है वो बनाया गया। अब नैमिका 2 में पैनोमिक टारगेट एक्विजिशन के लिए, यानी कि एक लंबे रेंज पे टारगेट को लॉक करने के लिए नया सिस्टम ऐड किया गया, जिसको आप जानते होंगे इलेक्ट्रोऑप्टिकल सिस्टम है कॉम्पास, उसको ऐड किया गया है। तो कॉम्पास को असिस्ट करने के लिए जो जगह है वो बनाई गई, और इस जगह के बनाने की वजह से जो नैमिका प्लेटफॉर्म पहले तकरीबन 8 मिसाइल फायर करने में सक्षम था वो अब 6 तक सीमित कर दिया गया। क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे होंगे, पहले यहाँ पर लॉन्चर में 8 ATGM की जगह थी, अब ये 6 की बच गई है। वहीं पर ऊपर नीचे टैंडम में जो आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है वो दिए गए हैं, एल्बिट सिस्टम का कॉम्पास, प्लस इसका एडिशन तो किया ही गया और एक और चिप ऐड कर दी गई जो भी आपके LWIR सेंसर थे नाग ATGM में। और ये जो चिप ऐड की गई LWIR सेंसर में, ये चार्ज कपल्ड जो फोकल पैनल एरे है वो ऐड किया गया, तो जिससे कि ये आपके टारगेट के अराउंड जो भी पिक्चर है उसको क्लियरली पिक्सल के रूप में बनाने लग गया, और जो डिफरेंशिएशन है टारगेट और बैकग्राउंड के बीच में वो आसान हो गया हाई टेम्परेचर में भी। तो ये सब चीज़ें नैमिका 2 में ऐड की गई है, जो कि अब तकरीबन 6 मिसाइल को एक बार में फायर करने में सक्षम है, जबकि 6 मिसाइल को वो अपने रिजर्व में रखता है। तो ये है एक संक्षेप में नैमिका 2 और नैमिका 1 की कहानी, कहीं भी आपको मिल जाएगी, स्पेशली विकिपीडिया पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो अब इस पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लग जाने से, प्लस जो फोकल पैनल एरे है उसका एडिशन हो जाने से, ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेंज थी आर्मी की कि कम से कम जो 500 मीटर है डिस्टेंस वहाँ पे भी हिट करना चाहिए, और मैक्सिमम 4 किलोमीटर से भी ऊपर ये हिट करना चाहिए। तो ये दोनों ही रेंज को अब हिट करने में केपेबल है। बात करते हो रोल की कि नैमिका को बनाया किस लिए गया है, तो इसको स्पेशली बनाया गया था कि जो भी आपके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट है उनको ये एक सपोर्ट या फिर रिकॉग्निशंस के रोल में असिस्ट कर सके। मान लो जो आपके इन्फेंट्री ट्रूप हैं वो कोई रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और किसी भी तरह के अकस्मात अटैक से बचाने के लिए इस तरह के जो व्हीकल होते हैं वो हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहते हैं। अब इसमें लगे जो भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो नाग मिसाइल को फायर कर रहा है, तो नाग को फायर करने के लिए जो एक फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको लेके हमने बात किया था ध्रुवास्त्र वाले वीडियो में कि किस तरह से जो फायर कंट्रोल सिस्टम होता है वो नेसेसरी होता है अगर आपको ये गाइडेड प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हो। तो यहाँ पे भी नाग को एक्यूरेटली टारगेट पे हिट करने के लिए जो एक पूरा का पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम है FCS वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसके FCS में कौन कौन से यूनिट हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कॉम्पास की। हालांकि कॉम्पास को लेके हम कई बार बात कर चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो सेंसर है वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं, वो मैंने रुद्र वाले वीडियो में भी इंडिकेट किया था एक इन्फोग्राफिक के थ्रू कि किस जगह पर टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है, लेजर रेंज फाइंडर कहाँ पे है, थर्मल इमेजर कहाँ पे है और लेजर डेजिग्नेटर कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा वो स्नैपशॉट। तो यहाँ पे जो कॉम्पास का सिस्टम है वो 4-8 किलोमीटर तक टारगेट को अक्वायर करने में सक्षम है, और वहाँ तक अपनी बीम को छोड़ सकता है वो। लेकिन जितना प्रपल्शन आपके नाग में दिया गया है
और जिस तरह का सेंसर है उसको देखते हुए जो इसकी रेंज है वो 4 किलोमीटर तक की है, मतलब 4 किलोमीटर तक के लाइन ऑफ साइट में रख के ये अपने ATGM को गाइड कर पाता है। हालांकि जो गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 9 के बराबर पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो IIR सीकर है वो अब सक्षम है अपने टारगेट तक खुद ही पहुंचने में, अगर जो टारगेट का क्वेश्चन है वो सही हुआ है और टारगेट जो लॉक है वो आपने सही किया है। तो यहाँ पे जो लेजर रेंज फाइंडर दिया गया है उसका आप काम जानते होंगे कि इस तरह के जो भी आपके लेजर रेंज फाइंडर होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर लेजर छोड़ते हैं और उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं। जो आपके थर्मल इमेजर हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो थर्मल इमेज है वो क्रिएट करने में सक्षम होंगे। जबकि यहाँ पे नेमिका प्लेटफॉर्म में जो ऑक्जिलरी पावर यूनिट है वो दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप नेमिका के इंजन को ऑफ कर दोगे ताकि कोई भी जो आपका अपना थर्मल सिग्नेचर है वो जनरेट ना हो, तो उस केस में आप साइलेंट रह के दुश्मन के ऊपर घात लगा सकते हो। मतलब जो भी आपके एडवर्सरी हैं वो ना ही आपके अकॉस्टिक सिग्नेचर पकड़ पाएंगे और ना ही जो आपका थर्मल सिग्नेचर वो पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो EPU सिस्टम है वो दिया गया है। अगले सिस्टम की बात करते हो तो वो है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इस तरह के सिस्टम क्या होते हैं कि जब भी आपके व्हीकल में कहीं भी फायर होता है तो उस फायर को पकड़कर जो बुझाने का काम है एक्सटिंग्विशर के थ्रू वो ये करते हैं। तो ये सिस्टम भी DRDO ने डेवलप किया है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। एक और प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है वो है न्यूक्लियर या फिर बायोलॉजिकल केमिकल के थ्रू आपको बचाने के लिए। और यहाँ पे ये जो आपके NBCPS होंगे, मान लो बाहर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है तो वहाँ पे कुछ आवर्स के लिए जो रेडिएशन है वो काफ़ी तेज होगा, तो उस तरह के रेडिएशन से बचाने के लिए भी आपको ये NBCPS दिया गया है। या फिर कोई केमिकल अटैक हुआ है तो उनसे बचाने के लिए जो बाहर का इन्वायरमेंट है उस एयर से ये कम्प्लीटली आपको डिसकनेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे अपना ही जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है कैबिन के अंदर वो ये मेंटेन करने में सक्षम है। पानी में तकरीबन 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये चल सकता है। यहाँ पे जो व्हीकल का वेट है वो ऑलमोस्ट 15 टन का है, तो टेक्निकली ये एक MPVS व्हीकल है। बात करोगे क्रू मेंबर की तो तकरीबन 4 क्रू मेंबर यहाँ पे आते हैं। ड्राइवर हो गया आपका, कमांडर हो गया, ऑपरेटर और एक लोडर, मतलब जो भी आपके मिसाइल रिजर्व में है तकरीबन 6 के नंबर में, क्योंकि ये 6 तो फायर करेगा रेडी टू फायर मोड में और 6 रिजर्व में रखता है ये, तो उन 6 को लोड करने के लिए एक लोडर की जगह दी गई है। व्हीकल की मोबिलिटी की बात करोगे तो जो ग्रेडियंट है वो 30 डिग्री का दिया गया है यहाँ पे। उसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो 30 डिग्री का स्लोप है या फिर क्लाइम है वो ये आसानी से करने में सक्षम है। ट्रेंच विड्थ की बात करते हो तो वो तकरीबन 2.5 मीटर का है इस व्हीकल के लिए, और किसी भी 0.7 मीटर तक के जो ऑब्स्टकल है वर्टिकल ऑब्स्टकल उन पे ये आसानी से चढ़ सकता है। बात करते हो स्पीड पे नॉर्मल हाईवे पे तो 64 km/h की है। अब बात करते हैं इसके टरेट पे कौन कौन से जो सिस्टम है वो दिए गए हैं। तो पहले तो आपके जो हो गए 6 मिसाइल लॉन्चर वो दिए गए हैं। यहाँ पे जो आपका लॉन्चर है वो 0 से लेकर 24 डिग्री तक एलिवेट होने में सक्षम है। रोटेशन की बात करते हो तो 10 डिग्री पर सेकंड का जो रोटेशन है टर्रेट या फिर लॉन्चर का वो पॉसिबल है। ट्रेवर्स रेट की बात करोगे तो वो 30 डिग्री पर सेकंड का ये देने में सक्षम है मैक्सिमम। जो भी आपका गनर है उसके कंट्रोल में जो सेंसर होते हैं, चाहे वो थर्मल इमेजर हो, CCD हो या फिर लेजर रेंज फाइंडर हो, तो ये सभी के सभी स्टेबलाइज्ड हैं। वहीं पे जो आपका कमांडर है तो उसके कंट्रोल में जो सिस्टम होगा देखने के लिए, यानी कि उसका पैनोरमिक साइट, उसमें भी आपके थर्मल इमेजर, CCD और लेजर रेंज फाइंडर आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसीलिए 2 तरह के आपको सिस्टम दिख रहे होंगे कमांडर और गनर के लिए। तो इसलिए नेमिका में जो हंटर किलर कैपेबिलिटी है वो हो जाती है, क्योंकि गनर और कमांडर के लिए जो साइट है वो अलग अलग दी गई हैं। मतलब एक ही टाइम पे जो आपका गनर है वो किसी एक टारगेट को ट्रैक करेगा और लॉक करेगा, और उसी टाइम पे जो आपका कमांडर है वो किसी दूसरे टारगेट को देख रहा होगा। तो इस तरह से एक टारगेट पे फायर करने के बाद आप तुरंत ही दूसरे टारगेट पे फायर कर सकते हो। इसको आप बोल देते हो हंटर किलर क्षमता। तो ये आपके नेमिका प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि 2 आपको जो साइट है वो दिख रही होंगी यहाँ पे दी गई हैं। बात करोगे हल पे किस प्रकार के इक्विपमेंट है तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक 5 वॉट और एक 50 वॉट का जो टेडोरन BHF रेडियो सेट है वो दिया गया है। APU के बारे में हम बात कर चुके हैं जो कि एक बैटरी सिस्टम है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट के रूप में एक PKT गन है 7.62 वो दिया गया है। जो आपका नेविगेशन सिस्टम है वो भी आपके हल में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। हल को लेकर जो प्रेशर मैनेजमेंट है वो दिया गया है NBC प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि न्यूक्लियर या फिर केमिकल प्रोटेक्शन के लिए। और जो फायर कंट्रोल एंड सप्रेशन सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो भी आपके हल है उसी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कुछ और सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो कि अंदर होगा व्हीकल के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और की सिस्टम्स हैं। जैसे कि हो जाता है आपका नेमिका का मैनेजमेंट कंप्यूटर, पावर सप्लाई यूनिट जो कि पावर को मैनेज करेगा APU की, या फिर जो आपका अपने व्हीकल का पावर है उसको। वहीं पर जो एक टेम्परेचर सेंसर है वो भी दिया गया है व्हीकल में, और जो आपका ट्रेवर्स का मूवमेंट है, जो मैकेनिज्म है उसको लेके जो फीडबैक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर आप ट्रेवर्स से ये समझना कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अप एंड डाउन होने को आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लॉन्चर है वो एक पिवट पे रोटेट हो रहा है। अगला है आपका लॉन्चर रिले यूनिट, ये भी दिया जाता है इस तरह के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बेसिकली ये जो आपका लॉन्चर रिले यूनिट है ये क्या करता है, जो आपका फायर कंट्रोल सिस्टम है
उसको कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है लॉन्चर से। मतलब कोई कमांड आप देते हो तो उस कमांड और लॉन्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश करता है। वहीं पर जो आपका एक सर्वो एम्पलीफायर है वो भी दिया गया है। तो बेसिकली जो आपके सर्वो एम्पलीफायर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपको फीडबैक सिग्नल मिल रहा है तो उन सभी सिग्नल को एडजस्ट करते हैं और डेविएशन को लेके क्या कुछ जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उनको एम्पलीफाई करते हैं। सिस्टम में आपके वीडियो स्विचिंग यूनिट भी दिया गया है, प्लस जो आपका पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार के आपके सिस्टम दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी टर्न में मूवमेंट हो रहे हैं और उन सभी मूवमेंट के पीछे जो मोटर्स हैं डीसी मोटर्स, वो भारत के अपने हैं। तो ये है आपका नैमका प्लेटफॉर्म। बात करते हो एक्यूरेसी की, तो अपने टारगेट को ये तकरीबन 0.9 मीटर की जो सीईपी है यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल, वहाँ पे हिट करने में सक्षम है। हालांकि टेस्टिंग के दरमियान इसने 0.5 की भी जो सीईपी है वो अचीव की हुई है। वहीं पे बात करते हो कि जो भी मिसाइल्स हैं वो लॉन्चर्स के अंदर पैक हैं, तो यहाँ पे मिसाइल को लेके जो एक सेल्फ लाइफ है वो न के बराबर है। मतलब मिसाइल की जो लाइफ है वो पैक्ड है, डिग्रेड नहीं होगी, लेकिन जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार का आपका जो नैमिका सिस्टम है, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है, किसी को डिटेल में, किसी को संक्षेप में। तो ये सिस्टम अब जा रहा है प्रोडक्शन में, जिसको तकनीकी रूप से डेवलप किया है DRDO ने, मैन्युफैक्चर किया है और फैक्ट्री बोर्ड ने। तो इस तरह के तकरीबन 15 से 20 के नंबर में जो नाग मिसाइल कैरियर हैं वो आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और नाग की बात करते हो तो 450 से ऊपर के नंबर में जो नाग मिसाइल है वो आर्मी के ऑर्डर में देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।